हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी के चैप्टर टू पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पुष्प की संरचना, लैंगिक जनन इसके बारे में अध्ययन किए थे, पुष्प के भागों के भी बारे में हमने जाना था। आज हम उसी के आगे आपको लघु बीजाणु जनन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु अर्थात परागकण, परागकण को आप सूक्ष्म लघु बीजाणु भी कहते हैं। ये परागकण परागधानी में बनते हैं, परागधानी परागकोश में बनती है, परागकोश पुंकेसर में बनते हैं और पुंकेसर पुमंग की इकाई होता है। ये पुमंग ही पुष्प का नर जननांग होता है। तो परागकोश में परागकण के निर्माण की प्रक्रिया, या आप कह सकते हैं पुंकेसर में परागकोश के विकास की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो प्रारंभिक अवस्था में अगर हम देखें तो जो फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट के शीर्ष भाग पर ही परागकोश बनते हैं। परागकोश कैसे विकसित होते हैं, इसकी प्रारंभिक अवस्था कैसी होती है, तो ये जानने के लिए अगर हम प्रारंभिक अवस्था में इस फिलामेंट अर्थात फूतंतु के शीर्ष भाग की अनुप्रस्थ काट देखें, इस अनुप्रस्थ काट में हमें कुछ इस प्रकार का एक सेक्शन प्राप्त होता है, जिसमें बाहर की ओर चारों ओर से घेरे हुए एपिडर्मिस की परत होती है, एकहरी परत होती है, और इस एकहरी परत के भीतर विभज्योतक होता है। ये विभज्योतक ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाओं में निरंतर विभाजन की क्षमता होती है। ये अलग अलग परागधानियां बनाते हैं, अलग अलग पराग कण बनाते हैं। किसको कैसे बनाते हैं इसको हम चित्र के द्वारा देखेंगे। अच्छा ना सर, ये पूरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया है। इसमें हम विस्तार पूर्वक देखेंगे कि कौन सी प्रक्रिया कैसे होती है। सर्वप्रथम हम देख रहे हैं कि फिलामेंट के शीर्ष भाग पर अनुप्रस्थ काट में देखने पर बाहर की ओर एपिडर्मिस, उसके भीतर हाइपोडर्मिस और हाइपोडर्मिस के भीतर मेरिस्टमेटिक टिश्यू अर्थात विभज्योतक होता है। इसी शीर्ष भाग में ही परागकोश के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत में सर्वप्रथम एपिडर्मिस के भीतर के हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं चारों कोणों पर, एक दो तीन चार, चारों कोणों पर बाकी कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को हम आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं, प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। इनको आप प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल या प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका कह सकते हैं। और बीच में कुछ विभज्योतक कनेक्टिव टिश्यू
संयोजी ऊतक के रूप में विकसित होना आरंभ कर देते हैं। इसके पश्चात ये आर्किस्पोरियल सेल अनुप्रस्थ विभाजन करती है, पेरिक्राइनल डिवीजन करती है। पेरिक्राइनल डिवीजन के फलस्वरूप यह दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, अर्थात परिणत विभाजन के फलस्वरूप ये दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। बाहरी कोशिका को प्राइमरी पेरिएटल सेल और भीतरी कोशिका को प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। तत्पश्चात प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अर्थात प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका में विभाजन तो रुक जाता है, अर्थात इसका विभाजन नहीं होता, परंतु प्राथमिक पेरिएटल कोशिकाएं जो होती हैं ये विभाजन आरंभ करती हैं। चारों कोणों पर विभाजन होता है और विभाजन करके ये अनेक कोशिकाएं बनाती हैं। ये कोशिकाएं 4 से 5 लेयर का निर्माण करती हैं, जिसमें एपिडर्मिस के भीतर की परत, जिसे आप एंडोथीसियम परत कहते हैं, यह एक परत होती है। एंडोथीसियम के भीतर मिडिल लेयर, मध्य परत की 3 से 4 परतें बनती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इस मिडिल लेयर मध्य परत के भीतर एक परत टेपिटम की बनती है, और इस टेपिटम के भीतर जो खाली स्थान रहता है इसी स्थान को आप पॉलन सैक कहते हैं। इसी पॉलन सैक में ही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल उपस्थित होती है। ये एंडोथीसियम की परत 2 पॉलन चैम्बर के मध्य की एपिडर्मिस के समीप कुछ पतली होती है, कमजोर होती है, इसी स्थान को आप स्टोमियम कहते हैं। यह स्टोमियम पराग कणों के परिपक्व होने के पश्चात इनके बहिर्गमन या निष्कासन में सहायक होता है। इसके पश्चात प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में विभाजन आरंभ हो जाता है। इस विभाजन के फलस्वरूप प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से परागकण मातृ कोशिका पॉलन मदर सेल का निर्माण होता है, और पॉलन मदर सेल से ही परागकण बनते हैं। परागकण बनने के पश्चात या आप कहें इस परागकण के बनने की प्रक्रिया को हम इसके बाद समझेंगे, उसके पहले थोड़ा सा ये जानेंगे कि परागकणों के बनते समय इन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। इस पोषण की पूर्ति के लिए ये टेपिटम की परत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ मिडल लेयर की भी सभी परतें समाप्त हो जाती हैं, और अंततः इस पूरे भाग में, इस पूरे पॉलन सैक में केवल परागकण भरे रहते हैं। परागकणों के भरने के पश्चात परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं तो स्टोमियम खुल जाता है। स्टोमियम के खुलने के पश्चात सभी परागकण परागकोश से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को परागकोश का स्फुटन कहते हैं, जिसमें परागकण
पराग कोष से बाहर आ जाते हैं। अरे परागकण या सूक्ष्म बीजाणु का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स। हम देख रहे थे कि परागधानी के अंदर बहुत सारे परागकणों का निर्माण हुआ था। ये परागकण कैसे बनते हैं उस प्रक्रिया को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जिसको आप प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं, इसका निर्माण परागधानी पॉलन सैक में होता है, जो कि प्राइमरी पेरिएटल सेल के बाद के साथ बनी थी। इसका विभाजन रुका हुआ था परागधानी के बन जाने के पश्चात, इसमें विभाजन शुरू होता है और विभाजन के पश्चात ढेर सारे सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पालन मदर सेल का निर्माण होता है। कहाँ होता है? परागधानी में। अब इस पराग मातृ कोशिका में ही अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के फलस्वरूप पराग कणों का निर्माण होता है। इस पराग मातृ कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल से पराग कणों के विकास की प्रक्रिया दो तरह की होती है। एक बीजपत्री पौधों में अर्थात मोनोकॉट प्लांट्स में यह सक्सेसिव टाइप का होता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों डाइकॉट में यह साइमल्टेनियस टाइप का होता है। ये टाइप्स क्या है, इसमें दोनों में क्या अंतर होता है, इसको हम देखेंगे। सक्सेसिव टाइप में इस कोशिका का केंद्रक विभाजित होने के पश्चात इसके कोशाद्रव्य का भी विभाजन हो जाता है, अर्थात केंद्रक विभाजन और कोशाद्रव्य का विभाजन साथ साथ चलता रहता है और इस प्रक्रिया के अंत में बनने वाले परागकण पॉलन ग्रेन्स टेट्राहेड्रल मैनर में लगे होते हैं, जो बाद में एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। साइमल्टेनियस टाइप में केंद्रक का विभाजन पहले हो जाता है, उसके पश्चात इसके कोशाद्रव्य का विभाजन होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप बने हुए चारों परागकण आइसोबाइलेटरल मैनर में लगे होते हैं, ये भी बाद में एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इस तरह से जितने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, मोनोकॉट में सक्सेसिव तरीके से, डाइकॉट में साइमल्टेनियस तरीके से ढेर सारे परागकणों का निर्माण हो जाता है। ये परागकण टेट्राहेड्रल मैनर या फिर आइसोबाइलेटरल मैनर के अलावा अन्य तरीकों से भी देखे जा सकते हैं, जो कि अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में भी हम जानेंगे। कुछ पौधों में ये चारों परागकण क्रसित रूप, क्रसित डेकू से मैनर में लगे होते हैं, जिसमें ये परागकण इस प्रकार से
दिखाई देते हैं। कुछ पौधों में ये रेखीय क्रम में लगे होते हैं, रेखीय क्रम अर्थात एक ही रेखा में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से एक दो तीन चार, चार पराकण एक ही क्रम में लगे होते हैं। कुछ पौधों में ये पराकण में लगे होते हैं जो कि इस प्रकार से होता है, ये टी शेप होता है। बात करें टाइफा पौधे की, टाइफा पौधे में ये चारों पराग कण मिलकर के जुड़ करके संयुक्त पराग कण जिसको आप कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स कहते हैं का निर्माण करते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि टाइफा में संयुक्त पराग कण होता है। अगर मदार के पौधे पेलोट्रोपिस की चर्चा करें तो इस पौधे में समस्त पराग कण, परागधानी में जितने भी पराग कण होते हैं वो सब आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके पराग पिंड जिसको आप पॉलिनियम कहते हैं का निर्माण करते हैं। इस पराग पिंड को आप इस तरह से देख सकते हैं। ये सभी पराग कण इस तरह से आपस में जुड़कर पिंड बना लेते हैं। ये मदार का पॉलिनियम होता है। आप कह सकते हैं पॉलिनियम मदार में बनता है और टाइफा में ये पराग कण संयुक्त पराग कण का निर्माण करते हैं। इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर अर्थात इसी चैप्टर के लेक्चर 3 में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे।